वेलकम टू वेदांत हॉस्पिटल पटना। मैं डॉक्टर विजय राघवन पटना वासियों को, पटना के लोगों को और आसपास के इलाके के लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि जो लोग डायबिटीज से सफ़र कर रहे हैं आज, डायबिटीज, अर्थराइटिस, हार्ट की समस्या, ये सब घर घर हो गया है। ये सभी एक ही बीमारी का अलग अलग रूप है। बहुत सारे लोग हार्ट के लिए दूसरा डॉक्टर, डायबिटीज़ के लिए तीसरा डॉक्टर, किडनी के लिए चौथा डॉक्टर के पास जाते हैं। इससे बहुत सारा बीमारी में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। आप कोई डायबिटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, उसको डायबिटीज़ का इलाज पता है, उसको ये नहीं पता है कि किडनी कैसे ठीक होगा, या किडनी खराब हो रहा है तो वो क्या करें। वो दवाई तो देते हैं शुगर कंट्रोल करने की और आपको ये बताते हैं कि ये इससे शुगर कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है बहुत लोगों का शुगर कंट्रोल भी हो गया हो, लेकिन फिर किडनी उसका खराब हो जाता है। बहुत लोगों का शुगर कंट्रोल भी हो जाता है, फिर भी उसका किडनी खराब हो जाता है। तो इस तरह से बीमारी शरीर अलग अलग नहीं है। शरीर में किडनी भी है, आपका हार्ट भी है, लंग्स भी है, सब कुछ शरीर में ही है। जो भी आप दवा खाते हैं उसका असर पूरे शरीर में होता है। ये आपको समझना होगा कि अलग अलग स्पेशलिस्ट का इलाज में के लिए बहुत घातक परिणाम होता है। जैसे कि कोई आदमी हार्ट के स्पेशलिस्ट से अलग दवाई खा रहा है, किडनी के स्पेशलिस्ट का अलग दवा खा रहा है, उसको नींद नहीं आ रहा है तो न्यूरोलॉजिस्ट से अलग दवाई ले लिया। तो ऐसे में क्या होता है कि दवा का अलग अलग इफेक्ट और अलग अलग प्रॉब्लम की वजह से मरीज उल्टा और ज़्यादा बीमारी में फंस जाता है। इसके लिए हमने डेवलप किया है मेटाबॉलिक चिकित्सा। ये चिकित्सा MBBS एलोपैथ में पहले से था, लेकिन क्योंकि ये इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट है, इंटीग्रेटेड मतलब हुआ आपके बॉडी में कुछ ऐसा परिवर्तन किया जाता है जिससे कि शुगर ऑटोमेटिक मेंटेन हो जाता है। यदि शुगर ऑटोमेटिक मेंटेन हो जाएगा, ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिक मेंटेन हो जाएगा, तो आपको ऑटोमेटिक ही किडनी, हार्ट ये सब का बीमारी नहीं होगा। प्लस इस पद्धति में किडनी ठीक करने की दवा है, जबकि एलोपैथिक में किडनी ठीक करने की कोई दवा नहीं है। जो भी किडनी के मरीज दवा ले रहे हैं एलोपैथिक उपचार में, आप एक बात जान लीजिए कि आप या तो ब्लड प्रेशर, उल्टी की दवा, पेट दर्द की दवा, शुगर कंट्रोल करने की दवा, यही सब दवा खा रहे हैं, उसमें किडनी की दवा नहीं है। किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है तो बेचारा हार्ट के डॉक्टर के पास जा रहा है तो हार्ट का डॉक्टर क्या बोल रहा है कि इसका हार्ट का कोई इलाज ही नहीं है। वो बदले में दवा क्या दे रहा है, बीपी की दवा खा रहा है। अरे भाई, बीपी की दवा खाने से हार्ट ठीक तो नहीं हो सकता ना, हार्ट की कोई दवा ही नहीं खाया। कॉमनली हर एक पेशेंट क्या कर रहा है, गैस की दवा खा रहा है। गैस की दवा लंबे समय तक खाने के लिए डिजाइन नहीं है। आप किताब में पढ़ लीजिए, एक दवाई है पेंटोप्राजोल और उसी का ग्रुप का बहुत सारा मेडिसिन आता है। जो लोग खाते हैं उसको हड्डी गल जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है और उसमें कैंसर होने का चांसेस बढ़ जाता है। ये बात ऑलरेडी एलोपैथ के डॉक्टर्स को भी पता है। होता क्या है, जब गैस की दवा आप खाते हैं और गैस बनना बंद हो जाता है तो एसिड की मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है। यदि एसिड पेट में बनेगा तो एसिड लेट्रिन के थ्रू निकलेगा, लेकिन यदि उस प्रोसेस को रोक दिया जाए तो एसिड नहीं बनने की वजह से एसिड ब्लड में ही रह जाएगा और ब्लड से एसिडिक जब ब्लड हो जाएगा तो आपका बोन का कैल्शियम को डिस्ट्रॉय कर देगा। जैसे कि एसिडिक माहौल में हर एक चीज़ गल जाता है, वैसे ही शरीर अंदर से गलना शुरू हो जाता है। ये इंटीग्रेटेड थेरेपी से का आप लाभ लीजिए। मैं पटना में हर एक महीना के 27 से 30 31 तारीख तक मैं पटना में समय देता हूँ। आप लोग इस चीज़ का फायदा उठाइए। इसके लिए आप हमारे विशेषज्ञ से बात कीजिए। फोन नंबर है दिया हुआ, इस पर बात कर सकते हैं। धन्यवाद।